हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे जो रिनोवेशन हुआ है उसकी जो फाइल है वो तलब कर ली है, मांगा है कि पूरा रिकॉर्ड जो है उनको दिया जाए। हम बहुत संतोष व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, एक सांसद के रूप में, कि दिल्ली में कानून है। अरविंद केजरीवाल समझते हैं कि वो कानून और संविधान से ऊपर है, तो ये सत्य नहीं है। हम बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि जो समाचार आज पिछले 5-10 दिन से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, उस पर आज एक ठोस जानकारी लेने के लिए 15 दिन के अंदर एलजी ने रिपोर्ट मांगी है। और हमें पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के वियतनाम के मार्बल्स का, इनके 8-8 लाख के एक पर्दों का, जो हमारे घर में वही मार्बल 1500 रुपया की सीट आती है, वही पर्दा हमारे यहाँ 450 से 250 की सीट है, वही सोफा हमारे यहाँ 5 से 7 हजार सीट के सोफे हैं, वही वहाँ कैसे 20-20 लाख के हो जाते हैं, इन सारी बातों का दूध का दूध पानी का पानी होगा। थैंक यू एलजी साहब। अरविंद केजरीवाल, अगर आप समझते हैं कि आप अराजक हैं, तानाशाह हैं, तो ये तानाशाह भारतीय संविधान के तहत नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अक्सर ये कहते थे कि वो ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, अब इसका वो काउंटर जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सोच दिल्ली के सामने स्पष्ट होके आ गई है। वो 1.5 करोड़ के पर्दे से अपना घर ढक सकते हैं, लेकिन जनता के सामने वो नंगे हो चुके हैं आज। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में गाली दें, जितनी बात कहनी हो वो करें, हो सके तो फिर एक ठो विधानसभा का सत्र बुला लें एक दिन केवल गाली देने के लिए। लेकिन एलजी महोदय ने ये सिद्ध कर दिया है कि चाहे आप जितना भी गाली दें, आप जितनी अभद्रता करें, हम कानून के साथ खिलवाड़ करने नहीं देंगे। और दिल्ली की जनता इसके लिए थैंक्स करती है।